So good evening dear students, welcome to everyone. So the concept of distance and displacement, I think it is clear to you. Okay, I will be extending the concept a bit further. So be patient, like earlier classes you will be getting to know. So till now I have given almost all the instances. I have given the word bhaya. Okay, today I will be giving the difference between the two. Okay, so for that, please, every day when you study physics, go through the two terms, scalar quantity, vector quantity. These are the two important terms. What is scalar quantity? Remember, scalar means having only magnitude, no direction. Sirf magnitude hota hai. Magnitude kya pata hai na aapko? 20 meter. Number, unit. Number or unit. Isko bolta hai magnitude. Bas. So magnitude का साथ जब डायरेक्शन आ जाता है, मैग्नीट्यूड का साथ जब डायरेक्शन आ जाएगा, तब वो क्या क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर. इट इज व्हाट? मैग्नीट्यूड. वन एग्जांपल, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी. ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. जिसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो क्या क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी. व्हाट क्वांटिटी? स्केलर. So, मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बारे में क्या बोला ना? डिस्टेंस, व्हाट आई हैव सेड, डिस्टेंस वी हैव हर्ड इन आवर जूनियर क्लासेस, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ न्यू टर्म, बट आर देयर ए बिग डिफरेंस? नो. डिस्टेंस का साथ एक चीज लग जाने से क्या हुए? वो चीज प्लस डायरेक्शन विल गिव मी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. खत्म. सो दैट्स नॉट ए टोटली अननोन थिंग. डिस्टेंस प्लस वन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट. सपोज 5 मीटर, कोई डायरेक्शन का बात बोला मैंने? नहीं बोला, सिर्फ मैग्नीट्यूड. क्यों मैग्नीट्यूड? नंबर और यूनिट दोनों है, ये लेके मैग्नीट्यूड नहीं है. सो ये डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या आ गया? एक डायरेक्शन आ गया, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन. इसको अभी क्या बोलेगा हम? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो दिस आर आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट. सो टुडे वी विल एक्सटेंड आवर कॉन्सेप्ट. आई हैव टोल्ड यू द व्हाट इज डिस्टेंस. रिमेंबर द डेफिनेशन. डिस्टेंस क्या था? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. याद है ना? इनिशियल. इनिशियल कहां से शुरू हो रहा है? सपोज ए, आपको जाना है ए टू बी, जाना है हाँ आपको ए टू बी. सो कहां से शुरू हो आपका जर्नी? ए. सो दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, बी इज माय फाइनल पोजीशन. हम एक बार रिवाइज कर दे रहे, ठीक है. ए इज द इनिशियल, बी इज द फाइनल. सपोज ऐसा 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 गया, ठीक है, आप सी होके गया. फिजिक्स में इसको होता है भाया सी, भाया सी. रिमेंबर दिस वर्ड भाया. भाया का मतलब क्या? थ्रो सी. थ्रो सी मीन सी होके आप बी में गया, लेकिन आपको यहां में देखना है कहां शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ. कहां शुरू हुआ? ए में शुरू हुआ. कहां खत्म हुआ? बी में खत्म हुआ. सो ए इज माई इनिशियल पोजिशन, बी इज माई फाइनल. सो डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज एक्चुअल पाथ? ये दैट इज डिस्टेंस. कितना होगा? That is AC plus BC करने से जो होगा डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या रहा? शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ कौन दे? ए टू. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ए बी. किधर से गया हमको मैटर नहीं किया, देखा किधर से आया वो हमको मैटर नहीं किया. हमको डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए? इनिशियल फाइनल उसका बीच का शॉर्टेस्ट पाथ. इनिशियल फाइनल नीचे उसका बीच का शॉर्टेज, उसको बोला डिस्प्लेसमेंट. तो शॉर्टेस्ट पाथ में हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है. डायरेक्शन बोलने से पर्टिकुलर, पर्टिकुलर या पर्टिकुलर नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा हो रहा है. सो इट इज नॉट पर्टिकुलर. डायरेक्शन बोलने से एक पर्टिकुलर, एक, ठीक है ना. सो टुडे वी विल बी गोइंग थ्रू सम डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस. आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंस बोलेगा, आप लोग लिखिएगा, ठीक है. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वो डिफरेंस आप लोग खुद निकाल लेगा. आई नो दैट.
सो फॉर दैट लेट अस गो थ्रू द कॉन्सेप्ट. मैंने उस दिन बोला रहा, फिर से एक बार करता है, इसका नाम दे दे रहा है ओ, ऐसा नाम दे दे रहा है, ठीक है, ओ ए बी सी डी, ये से आ जाएगा, ठीक है. इसको 0, 5, 10, 15, 20, इट इज द डिस्टेंस, ठीक है, इन किलोमीटर. सो लेट अस स्टार्ट, ठीक है, लेट अस स्टार्ट. रेडी, सी हम एक एक कॉन्सेप्ट देगा, एक एक कॉन्सेप्ट से आपका एक एक डाउट्स क्लियर होगा, ठीक है. वेट, ओके, आई थिंक you are seeing or not, it is 5, okay, it is 5, theek hai na, dheere se dhyan se likhte rahe, isko to sundar se likh de raha, distance displacement. Now you will be telling me that difference, okay. Till now first of all ek definition tha humko aata na, difference mein distance kya tha, it is the length of the distance, it is what, it is the length of the what, actual length of the actual path, yes, from where, the length of the actual path traveled by a body, traveled by a body from initial to final position. It is one point, and here what is displacement, it is the length of the shortest path travel by a body from initial to final position. It is one point. Next, there are many. Can you say one other difference between distance and displacement? Clear? Can I say distance, it is scalar quantity, agree or not? And it is displacement, kya quantity hai, vector quantity. Why it is scalar? Remember why it is scalar? Because distance has only magnitude, kya nahi hai, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए डिस्टेंस क्या क्वांटिटी है, स्केलर. और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट, थोड़ा देर पहले मैंने बोला डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस प्लस क्या है, डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उसको क्या क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर. सो डिस्प्लेसमेंट क्या क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, दो हो गया, ठीक है. नाउ तीन नंबर यहां से आएगा, चलो